हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट इंदौर कॉलेज, बीकानेर। टुडे इज माय टॉपिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट थर्ड। टुडे वी डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द पार्ट थर्ड। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। द यूवी रेडिएशन रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 10 nm nanometer to 400 nanometer, and the visible radiation region extends from 400 nanometer to 800 nanometer. Near UV regions in between 200 nanometer to 400 nanometer, and far UV region below 200 nanometer. Far UV spectroscopy is studied under vacuum conditions. The common solvent used for preparing sample to be analyzed is either by ethyl alcohol or hexane. The principle already been discussed by Beersla and Lambertla. The next topic is electronic transition. This is the possible electronic transition, which is graphically shown as: according to wave mechanics, two molecular orbitals are formed by the overlapping of two atomic orbitals. One is bonding molecular orbital, that is known as BMO, which has lower energy, and the other is anti-bonding molecular orbital, which is known as ABMO, which has higher energy than the atomic orbital. When a molecule is formed, electrons go in the bonding molecular orbitals, which are participating in the bond formation. The two types of bond, which is we have known, sigma bond and pi bonds, are present in the organic substance. Those electrons which form sigma bond, they are tightly bonded and are known as sigma electrons. Similarly, electrons forming pi are loosely bonded and are called pi electrons. These both types of electrons are present in sigma bonding orbital and pi bonding orbital respectively. Some electrons do not participate in the bonding. They are known as non-bonding electrons, NBMO, which is denoted by N. In organic molecules, if oxygen, nitrogen, sulfur or halogen atoms are present, then non-bonding electrons, which is denoted by N, are present in the form of lone pair of electrons, and these are known as N electrons. Yani, तरंग यांत्रिकी के अनुसार दो परमाणु कक्षक अतिव्यापन करके दो आणविक कक्षक बनाते हैं। एक बंदी अणु कक्षक, जिसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO कहते हैं, जो कि कम ऊर्जा वाला होता है, तथा दूसरा विपरीत बंदी अणु कक्षक ABMO, जिसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि परमाणु कक्षक से अधिक ऊर्जा वाला होता है। जब कोई अणु बनता है तो बंद में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बंद कक्षकों में जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, सिग्मा व पाई। वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं तथा मजबूती से बंध रहते हैं, उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी प्रकार पाई बंध बनाने में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंध रहते हैं, इन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्रमशः सिग्मा बंदी कक्षक यानी सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल तथा पाई बंदी कक्षक या पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन किसी भी बंध में भाग नहीं लेते, उन्हें बंधहीन अथवा अबंधी यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कार्बनिक अणु में यदि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर तथा हेलोजन के परमाणु विद्यमान हो, तो उनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, इन्हें एन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि ग्राफिकली दिखाई भी गया आपके पास। सबसे नीचे आपके पास बॉन्डिंग सिग्मा, फिर बॉन्डिंग पाई, देन नॉन बॉन्डिंग एन, देन आफ्टर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार। दीज आर दी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। फर्स्ट वन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकेंड पाई टू पाई स्टार, थर्ड एन टू सिग्मा स्टार, फोर्थ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, फिफ्थ वन सिग्मा टू पाई स्टार, एंड द लास्ट वन इज पाई टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फर्स्ट वी डिस्कस द सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा स्टार। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज लार्ज फॉर दिस ट्रांजिशन।
means those compound which possess sigma electrons shows such type of transition in a molecule. Sigma electrons are tightly bonded with the atoms, so more energy is required for such transitions. Absorption bonds due to these transition are observed in the far UV region or in the region of lower wavelength. Those compound in which all the covalent electrons form sigma bond or saturated hydrocarbon possess such type of transition. For example, methane absorbs radiations at 125 nanometer and ethene absorbs at 135 nm. यानि पहला सिग्मा टू सिग्मा स्क्वायर संक्रमण. इस प्रकार के संक्रमण उन यौगिकों में होते हैं जिनमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो. सिग्मा इलेक्ट्रॉन अणु में परमाणुओं के साथ अधिक मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इस प्रकार के संक्रमणों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है. ऐसे संक्रमण के कारण अवशोषण बैंड दूर पराबैंगनी क्षेत्र फार यूवी रीजन अर्थात कम तरंगदैर्ध्य वाले क्षेत्र में प्राप्त होते हैं. यौगिक जिनमें सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध बनाते हैं अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन में इस प्रकार का संक्रमण होता है, जैसे मीथेन में 125 नैनोमीटर तथा एथेन में 135 नैनोमीटर अवशोषण प्राप्त होता है. सेकेंड वन इज पाई पाई स्टार ट्रांजिशन. दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन दोज कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पाई ऑर्बिटल्स और इट अकर्स इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स. द लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स मीन्स एल्काइन, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल, साइनाइड एटसेट्रा. इन दीज कंपाउंड्स द पाई पाई स्टार ट्रांजिशन और पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड रीच टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस ट्रांजिशन इज लेस देन द एन टू सिग्मा स्टार but more than n to pi star. So that compounds having this type of transition absorbs energy in the ultraviolet and visible region. Generally, for example, in ethylene, lambda max is 180 nanometer for pi to pi star transition. Yani pi pi star transition is prakar ka sankraman un yogikon mein hota hai jinme pi kakshakon mein electron hote hain, अर्थात ये असंतृप्त यौगिकों में होता है जिसमें एल्कीन, एल्काइन, कार्बोनाइन या साइनाइड आदि. पाई पाई स्टार संक्रमण में एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार एबीएमओ एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंचता है. इस संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा एन टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम परंतु एन टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है. अतः ऐसे संक्रमण वाले यौगिक साधारणतः अल्ट्रावायलेट या विजिबल में अवशोषण करते हैं, जैसे एथिलीन की वैल्यू 180 नैनोमीटर के आसपास है. द थर्ड वन इज एन टू सिग्मा स्टार. दीज कम सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच ग्रुप हैविंग एटम्स विद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद ए सिंगल बॉन्ड शोज एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स आर द एटम्स पजेसिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. Less energy is required to end to sigma star transition than the sigma sigma star. Therefore, absorption takes place in the ultraviolet region at comparatively higher wavelength. For example, in triphenylamine, methyl alcohol and methyl iodide having end to sigma star transitions, the value of 227, 174 and 258 respectively. Yani, एंटो सिग्मा स्टार वे संतृप्त यौगिक जिनमें अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले परमाणु से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े हों उनमें एन सिग्मा स्टार संक्रमण होता है. अबंधी इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु साधारणतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन होते हैं. इन संक्रमणों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थ है अवशोषण पराबैंगनी क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंची तरंग देते हैं में प्राप्त होता है, जैसा कि अपने ट्राइफेनाइल अमीन, मिथाइल अल्कोहल और मिथाइल हाइड्राइड में लैम्डा एक्स की वैल्यू 227, 174 और 258 नैनोमीटर की है. नेक्स्ट वन इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन. दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन दोज कंपाउंड इन विच बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग एंड पाई आर प्रेजेंट. इन दिस ट्रांजिशन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एंड रीच टू पाई स्टार
antibonding orbital. For example, compound which having the carbon compound group shows an absorption band at 279 nanometer due to n to pi star transition. यानी इस प्रकार का संक्रमण उन्हीं यौगिकों में होता है जिनमें अबंधी व पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में पहुंचता है। उदाहरणतः कार्बन कंपाउंड जिसकी 279 नैनोमीटर पे बैंड एन टू पाई स्टार संक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ वन, दैट इज सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, बोथ आर ट्रांजिशन आर नॉट सिमेट्रिकल फॉर्बिटन, हेंस दे आर कॉल्ड द फॉर्मेटन ट्रांजिशन। मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन और फॉर्मेटन ट्रांजिशन आर ओनली थियोरेटिकली पॉसिबल। दस एन टू पाई स्टार एंड पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शोज एब्जॉर्प्शन इन रीजन अबव 200 नैनोमीटर विच इज एसेसिबल टू यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यानी ये दोनों ट्रांजिशन दोनों संक्रमण सममित अनुमति यानी सिमेट्रिकल फॉर्बिडन नहीं है, अतः उन्हें फॉर्बिडन ट्रांजिशन भी कहते हैं।